ये सब उस पागल की वजह से। चिल्लाओ मत ढोंडू, जस्ट चिल चिल। अगर वो पगला बाहर आ गया तो वहाँ तेरे बेटे का जन्मदिन और यहाँ सब बहुत का मरण दिन कमी ने। अरे आज तो उस पागल को चुप। ए, क्यों चिल्ला रहे यार, तेरी तो मैं बोलना। क्या हुआ? हवा निकल गई, जरा ऊंची आवाज की तो इनकी हवा निकल गई। रखो तेरी क्यों हवा निकल गई ढोंडू? तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। देख रहे भाई साहब, टेम्पो ढोंडू निकाल। रघु मेरे भाई मेरे दोस्त, चल चल अंदर जाके चाय पीते हैं। भैया इनके बारे में तो वीरू, पागलपन का इलाज हर बार पागल को भगाना नहीं होता है, पागल को समझाना भी होता है। भाई साहब, he is totally mad. क्या? Mad, mad. Look who's talking. मैं आता हूँ। अकेला मत छोड़ो। रघु, कितनी चम्मच? चम्मच एक ही, उससे चीनी दो बार। रघु, तूने कभी गीता पढ़ी है? ना, नेवर नेवर नेवर। ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम साथ क्या लाए हो? टेम्पो है ना, जिसमें मेरा सामान है। मेरा या यहाँ मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिपीट। देखो रघु, गीता में लिखा है, कल जो तुम्हारा था आज वो मेरा है, आज जो मेरा है कल वो किसी और का होगा, समझे? अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। उधर क्या देख रहा है, मुझे सुन। कल जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। बरखुदार, आर यू अंडरस्टैंड मुन्ना? छोटी सी बात प्रेम भाई, क्या है? टेक इट इजी, मैं तुझे समझाता हूँ। देख, घर की बेटी भी पराई होती है ना, शी हैज टू गो वन डे। इसलिए मैं कहता हूँ, कल जो तेरा था आज वो मेरा है, आज जो मेरा है कल किसी और का होगा, समझा? गलत। कल तक जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। अरे पागल, घन चक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? हाँ पागल, घन चक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? कल तक जो तेरा था आज वो मेरा है, आगे भी मेरा रहेगा। नहीं नहीं, क्या गो ढूंढो, गो ढूंढो, अभी से मैं सामान लेकर आऊं। इस बच्चे को मार रहे तो तुम्हीं। ये पहली बार हो रहा है कि मौत हमारी नहीं, हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो स्टाइल से क्या गाड़ी चला रहा है? एक रुपया नहीं है हमारे पास, उस टोबू को क्या बोलेंगे? अरे मैं हूं ना, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? तू है इसलिए तो टेंशन है। अरे रिलैक्स। तो बुजी प्लीज हमें माफ कीजिए, हमने बहुत कोशिश की लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए। आप प्लीज हमें एक और। वीर वीर, मुझे बोलने दे। आ टोबू, कम कम। पैसे तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक ऐसी चीज लाया हूं जिसे देखकर तुम हमारे कर्जदार हो जाओगे। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ये रॉयल गिफ्ट है लुशोटो के राजा के लिए। प्रेम, तूने राजा की गिफ्ट भी मार दी, भैया क्या बोलेंगे? वीर वीर वीर, तुझे राजा के खजाने में ये गिफ्ट देखना है या हमारे कंधों पे? सर प्रेम, सर हीरे मोती दिनार शिनार मिनार पर्ल हार्बर ब्लड डायमंड अशरफिया बर्फिया व्हाट नॉट। प्रेम भाई बोलते हैं, पूछने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इसी एक चीज में हैं। खोलो बूढ़े बाबा, बूढ़े बाबा, तो बोलना बोलता है लिंबू का चर है।
अब नींबू का अचार कैसे हो सकता है? अरे कोई राजा को गिफ्ट देता क्या नींबू का अचार? इसमें जरूर डायमंड छुपाए होंगे कस्टम से बचने के लिए। ये सच कह रहा है, ये मेरे भाई का है। ये नींबू गाजर नहीं है। देखा मैंने बोला था ना, इसमें गाजर और मूली भी है। तो बोलता है अच्छा अच्छा है, लेकिन साथ में रोटी होती तो अच्छा था। रोटी बोटी नहीं, तुम्हारा बोटी बोटी कर देगा। तो बन्ना बोलता है, दो दिन के अंदर अगर तुमने पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारे करोड़ों के बंगले पे हम कब्जा कर लेंगे, और इस आचार की गंदी गिलोनी हरकत के लिए आज अभी इसी वक्त सजा जरूर मिलेगी। डोबू तो बहुत कमीना निकला यार, हमारे कपड़े तक ले लिए। ये सब तेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। क्या मेरी बेवकूफी? हाँ। अरे उसने तो 250 रुपए की टी शर्ट और 350 रुपए की पैंट ली है, हम लोगों ने तो 1,00,000 का चूना लगाया है उसको। क्या करो यहाँ पर, सॉरी, भागो यहाँ से, भागो। बात पैसे की नहीं, तेरे जजमेंट की है। तेरे क्रिएटिव आइडियाज की वजह से मेरी जिंदगी में सोल्यूशन कम, प्रॉब्लम ज्यादा आ गई है। तेरे पापा फोटोग्राफर थे क्या? क्यों तू हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचता है? तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मेरे पास इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज है। अरे भाड़ में जाए तेरे क्रिएटिव आइडियाज। अबे कुत्ते क्यों भौंक रहा है? अरे एक वो धर्म है जो लुशोटो जाने का नाम नहीं लेता, एक वो टोबू है जिसने गोवा में हमारी चड्डी एक्सपोज कर दी, और एक तू भौंक रहा है। अबे कुत्ते गाड़ी के अंदर बैठ के भौंक रहा है, अंदर आके मारूंगा तेरे को, ऐसा मारूंगा कुत्ते साले कमे। तूने की है Can you believe it, Mrs. Lobo? हाँ? आजकल a person known as rapist रंगा आधा नंगा होके ब्यूटीफुल लड़कियों का रेप करता है। ब्यूटीफुल लड़कियों का? हाँ। Then we must take care, बाबा। या। Show me? जी। रंगा हेलो सर। प्लीज मैरी, तुम एक लड़की हो, यहाँ एक फैमिली मेंबर जैसी हो। थैंक यू सर। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आज से तुम मेरे बेडरूम में सोगी और मैं तुम्हारे कमरे में। बोल रहे हैं? ये तो कहना ही था, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच प्रेम है। व्हाट? आप के मेरे बीच में प्रेम? सर्वेंट है सर। प्रेम 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 अमीरी गरीबी नहीं देखता, कहीं पे भी टूट पड़ता है। इसलिए आज के बाद तुम मेरे बेडरूम में रहोगी। इज दैट क्लियर? हेलो वीर, आज से तेरी पॉकेट मनी तेरे भैया नहीं मेरी देगी। क्या? अपनी मेरी? अब वो अपनी मेरी नहीं रही है, नौकरानी से रानी बन गई है। आज रात को तेरा ठरकी भैया मेरी के साथ मेरी गो राउंड खेलेगा। मेरे पास तेरी फालतू बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। शौक में बेचारा, इसको तो ये भी नहीं मालूम कि इसने कुछ पहना नहीं है, चेंज क्या करेगा। देखा प्रेम, तुम्हारे थर्ड क्लास आइडियाज का नतीजा, पूरे शहर में आधे नंगे होके छी, और तुमने चोरी भी शुरू कर दी। पहले धर्म जी की वॉच, और उसके बाद राजा का रॉयल गिफ्ट। क्या रॉयल, अचार था उसमें। और तुम क्या मुझे सुना रही हो? तुमने ही तो कहा था वी शुड डू दिस फॉर वीर, वी शुड डू दैट फॉर वीर। अब तो जानवी ई कुन्नी नी सेमा प्रेम, स्टॉप वीर। अरे वीर, क्या हुआ भैया? अरे वो प्रेम है ना, विद्या को लेके भाग गया। गाड़ी निकल। गाड़ी तो वो ले गया। आजा। अरे काय कर तो है, अरे डांडू
पता चला ना। चुप। मैं क्या बोल रहा हूँ? रघु चिल चिल। टोपो बोलता है सामान पैक करो। मगर हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे जाना तो पड़ेगा, बंगला जो खाली कर रहा है। क्यों? 5 लाख रुपए दे दे। 5 लाख नहीं, 10 लाख। क्यों? क्यों? अरे तुम्हारा बोल बचन सुन के हमारे टोपो ने भी 5 लाख लगाए तुम्हारे रिस्क पे और हम डूब गए। पैसा तुम्हारा तुमने लगाया, हम क्यों देंगे? टोपो बोलता है लौटाने तो पड़ेंगे, नहीं तो तुम दोनों के हम पीस पीस कर देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। पीस पीस करके देंगे। आजकल आजकल जो रिसेशन चल रहा है, आपको हम 5-5 लाख करके देंगे पहला इंस्टॉलमेंट अगले साल। तो वो बोलता है पहला इंस्टॉलमेंट अगले हफ्ते। बर्फ डालो। एक हफ्ता होने आया है और अब तक 5 लाख का इंतजाम नहीं हुआ है। वी, तुम धर्म भैया को बोलो ना कि 5 लाख पॉकेट मनी एडवांस दे दे। और इस बार क्या झूठ बोलूं कि मैंने 5 बच्चे गोद ले लिए। तू एक काम कर, अपनी एक किडनी बेच दे, 2.5 लाख तो मिल ही जाएंगे। फनी, क्या मजाक उड़ा रहा है यार तू? आई विल गिव यू ऑल अ बेटर आइडिया। कल गोवा कार्निवल शुरू हो रहा है, ग्रुप बनाएंगे, भीख मांगेंगे, फॉरेनर्स डॉलर में भीख देंगे। फनी, फनी, फनी।